हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि स्टॉक आइटम और लेजर क्रिएशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने सजेस्ट किया मुझे इस टॉपिक पर, तो इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का मैंने फैसला किया। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्टॉक आइटम और लेजर क्रिएशन इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है अनिल एंड सन्स के नाम से, और अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, ओके, और अब हम सीधा आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, ठीक है। तो चलिए ये सेल्स वाउचर में चलते हैं पहले। तो ये सेल्स वाउचर में आ गए हम। अब यहां पर कोई रेफरेंस नंबर मैं डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा। तो यहां डेटर पार्टी का लेजर मैंने दे दिया, इसे हम लेजर कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं, मैं एक बार फिर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो दुर्गेश डेटर नाम से मैंने लेजर बनाया, इसे लेजर कहते हैं, ठीक है। अब आइए एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं ये सेल्स अकाउंट का लेजर, यानी कि खाता मैंने बनाया है, इसे भी हम लेजर ही कहते हैं। अब यहां पर आएगा स्टॉक आइटम। तो क्या सेल्स अकाउंट में स्टॉक आइटम बनता है, इसी की बात करेंगे। जैसे एस प्रेस किया हमने, तो ये देखिए ये सारे स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है। इनको हम खरीदते या बेचते हैं। तो जो आइटम आप खरीद के रखेंगे अपने पास स्टॉक में रखेंगे, वही चीज आप बेच सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। यानी कि पहले आपको परचेज करना होगा, देन आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो आइटम आपने परचेज किया ही नहीं, उसको कैसे सेल करेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले आपको आइटम परचेज करना होगा, ओके। यहां पर आप जैसे मान लीजिए हैंड वॉश है, तो यहां पे हैंड वॉश लिया मैंने, एंटर प्रेस किया, और यहां पे मान लीजिए हैंड वॉश की दो पैकेट हम सेल कर रहे हैं, तो यहां पे दो पैकेट की कॉस्ट आ गई, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाना है, तो यहाँ देखिए ये सीजीएसटी है, एंटर प्रेस किया तो ये सीजीएसटी आ गया। अब एसजीएसटी की बात है, तो एस प्रेस करेंगे, एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, देखिए ये न्यू रेफरेंस होगा, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ से। तो ये तरीका है। अब इसको इसकी एंट्री जो है हम कहाँ जाके देखेंगे, डिस्प्ले में। तो यहाँ दो बार डी प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो एंट्रीज हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरी है आपकी, कोई और भी सवाल है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।